किया उसका उन्वान उन्होंने मिलादुन नबी रखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये जश्न ईद मिलादुन नबी के सदके इनके घर में हमेशा जश्न का समा आबाद रहे, आमीन, और खुशियों का दौर पूरा करे। और वो समझें कि ये इस वक्त जो हम मजलिस लगा के बैठे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की खुशी में हम यहाँ बैठे हैं। हम ये मुसर्रत और इस खुशी और शादमानी का इजहार कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने अर्श की बुलंदियों से अपने महबूब को अपने बंदों की हिदायत के लिए शक्ल बशरियत में दुनिया में भेजा, और ये खुदा का हम सब पे करम है, इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं। दर हकीकत जश्न मिलाद नबी अल्लाह की बारगाह में हादिया तशक्कुर पेश करना है। सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन तूने अपने महबूब को हमारे लिए नबी बना के भेजा, यही जश्न मिलाद नबी है, इसके सिवा और कोई बात नहीं है। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला जितने लोग इन्हे घर आएँ अल्लाह सब ईमान वाले तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले ईमान के नूर के नाल इस घर मौजूद हैं इन्ह सारे की हाजिरी के सदके इस घर खुशियां का दौर दो। अब्दुर्रहमान साहब वास्ते गैर तो रिज़्क के दरवाजे कुशादा फरमाए, जो इन्हां दी जायज मुरादा आरज़ूआं अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हर गम तो हर अलम तो हर मुसीबत तो हर कुल्फत और हर सोबत तो इन्हां इन्हां दे पूरे खानदान नूं और इन्हां दी औलाद नूं महफूज फरमाए। ईमान दी नेक अमाल दी सलामती नसीब सारियां दे सीने रोशन, सारियां दी कब्र रोशन, सारियां दी आखिरत कामयाब फरमाए। आमीन। नतिका या हमर।